इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन ने कोई लंबा वक्त नहीं अपनी वालदा के साथ गुजारा, छोटे थे। तो सैयदा फातिमा तज़्ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा विसाल कर गईं, पर शेर खुदा के पुत्र की बात देखें, इमाम हसन कहते हैं, लोगों मैं जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लगी, तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूँ, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था, मैंने यहाँ तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, मैंने यहाँ तक भी माँ का एहतराम किया, रोटी खाने में भी तकदीर नहीं की। यहाँ माँ वो कहती है, पीर साहब उन्हें दस्या जे ना कि मैं तुहानू आख्या सी, उन गल्लां गल्लां च उन्हें आख्या जे मेरे नाल बोले तो सही करे, उन्हें दस्यो ना मेरे नाल विगड़ जाएगा, उन्हें आख्या जे ना मैं तुहानू शिकायत लाई, पर ना उन्हें गल्लां गल्लां च समझाया जे कि मेरे नाल उच्ची ना बोलिया करे, मैनू तकलीफ, उन्हें आखियो ना। ओ यार, क्या कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है? लेकिन हजरत हलीमा सादी आई हैं तो क्या मेरे नबी उठ के खड़े नहीं हो गए? हुजूर ने इकराम दिया तो इकराम देने से कद बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता। खुदा रा अपने बड़ों का इकराम करना सीखें। इन्होंने किसी ने आपको जगह दी होगी, किसी ने आपको नौकरी दी होगी, लेकिन माँ बाप ने तो ज़िंदगी दे दी, औलाद को जवानियाँ दे दी, सारा कुछ दे दिया, और बच्चे हैं कि समझते नहीं। एहतराम के जज्बे अपनी तबीयत में लाएँ, बेअदब ना बने, सूए अदब ना कभी करें आप।